हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और एक बार सिलेबस देख लेते हैं ये हमारा सिलेबस है फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का और इसमें जो हाइलाइटेड पार्ट है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट नंबर फोर में आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं आज हम एग्रोफोरेस्ट्रिक क्लासिफिकेशन को नेचर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि जो ज़्यादातर स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें नेचर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे एग्रोफॉरेस्ट्री क्लासिफिकेशन दिया गया है और वैसे देखें तो एग्रोफोरेस्टिक क्लासिफिकेशन के जो बेसिस हैं वो काफ़ी सारे होते हैं लेकिन हम यहाँ पर नेचर ऑफ कम्पोनेंट्स के साथ देखेंगे तो सबसे पहले है एग्री सिल्वी कल्चरल सिस्टम उसके बाद है सिल्वी पेस्चुरल सिस्टम फिर है एग्रीकल्चरल सिस्टम एंड उसके बाद है अदर सिस्टम तो एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कंपोजिशन एग्रो सिस्टम एग्रो सिस्टम में जो एग्रोफॉरेस्ट्री की डेफिनेशन हमने देखी थी वही यहाँ पे मेन है एग्रोसिल्विकल्चरल सिस्टम रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट क्रॉप आइदर साइमल्टेनसली और अल्टरनेटली तो इंटरक्रॉपिंग की जाती है यहाँ पे ऑफ ए फॉरेस्ट प्लांटेशन विद एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ग्रोइंग एग्रीकल्चरल ट्री क्रॉप्स विद फॉरेस्ट ट्रीज और इंटरक्रॉपिंग से जो मेन है यहाँ पे कि इंटरक्रॉपिंग इज ए मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस यानी एक साथ दो या दो से ज्यादा जो क्रॉप्स हैं उनको उगाना तो इंटर क्रॉपिंग इज़ ए मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन प्रॉक्सिमिटी सेकेंड है सिल्वी पेस्टरल सिस्टम तो जो सिल्वो पेस्टरल सिस्टम है इसमें क्या है कि रेफर्स टू ए लैंड मैनेजमेंट सिस्टम इन विच फॉरेस्ट आर मैनेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वुड एज वेल एज फॉर रियरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स यानी फॉरेस्ट विद ग्रासीज तो यहाँ पे पेस्टोरल से आप समझ सकते हैं कि एनिमल्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड होंगे एंड उसके बाद है एग्रो सिल्वी पेस्टरल सिस्टम तो एग्रो सिल्वी पेस्टरल सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाएगा सिल्वो पेस्टरल सिस्टम तो इसमें फॉरेस्ट विद एग्रीकल्चरल क्रॉप भी होंगी और उसके साथ ही ग्रेजिंग लैंड भी होगा डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए उसके बाद नेक्स्ट है अदर मल्टीपर्पज़ ट्री प्लांटेशन सिस्टम तो इसके नाम से यहाँ पता चलता है कि मल्टीपरपज ट्री यहाँ पे प्लांट किए जाते हैं तो दिस ग्रुप रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट टू यील्ड फ्यूल वुड के लिए टिम्बर फोडर फ्रूट्स मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट्स तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ़ ट्रीज टू यील्ड डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो हमने एग्री सिल्वी कल्चरल सिल्वी पेस्टरल सिस्टम एग्री सिल्वी पेस्टरल सिस्टम एंड अदर सिस्टम को डिस्कस किया और अब हम आज की इस वीडियो में एग्री सिल्वी कल्चरल सिस्टम के जो सब टाइप्स हैं उनको देखेंगे और जो सिल्वी पेस्टल सिस्टम एंड एग्री सिल्वी कल्चरल सिस्टम एंड अदर सिस्टम के जो पार्ट्स हैं इनको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो सबसे पहले है इम्प्रूव फेलो स्पीसीज जिन शिफ्टिंग कल्टिवेशन उसके बाद है टोंगिया सिस्टम फिर है मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन्स उसके बाद है ट्रीज एंड श्रब्स ऑन पास्चर्स एले क्रोपिंग को देखेंगे मल्टीपर्पज ट्रीज एंड श्रब्स ऑन फार्म फील्ड्स उसके बाद क्रॉप कॉम्बिनेशन विद प्लांटेशन क्रॉप्स एंड एग्रो फॉरेस्ट्री फ्यूलवुड प्लांटेशन शेल्टर बेल्ट विंड ब्रेक्स एंड सोइल कंजर्वेशन हेड्स तो इन सब को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आज फर्स्ट एग्रो सिस्टम तो इन दिस सिस्टम अरेबल क्रॉप्स हैं उनको ट्री क्रॉप्स के साथ उगाया जाता है और इसमें फ़र्स्ट है इम्प्रूवड फेलो स्पीसीज इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन तो फेलो स्पीसीज़ वो स्पीसीज होती है जो काफ़ी फास्टली ग्रो करती हैं तो इन दिस सिस्टम प्लांटिंग ऑफ ट्री इज़ डन इन द फेलो लैंड एट द एंड ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन के बाद यहाँ पे फेलो स्पीसीज को उगाया जाता है और पर्पज़ क्या है कि जो सोइल इरोजन है उसको डिक्रीज़ करना इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स एंड रिकवर्स डिप्लीटेड सोइल न्यूट्रिएंट्स तो ऐसी स्पीसीज यहाँ पे होनी चाहिए शुड हैव ए कैपेबिलिटी जिनके पास कैपेबिलिटी हो टू रिस्टोर द न्यूट्रिएंट स्टेटस एंड रिड्यूस इरोजन तो जो न्यूट्रिय स्टेटस शिफ्टिंग कल्टिवेशन की वजह से जो न्यूट्रिय हैं वो रिकवर नहीं हो पाए हैं रिस्टोर नहीं हो पाए हैं उनको रिस्टोर किया जा सके एंड जो इरोज़न है उसको कम किया जा सके अब नेक्स्ट है टोंगिया सिस्टम तो टोंगिया सिस्टम से हमारा क्या मेन है टोंगिया सिस्टम में क्या होगा कि फार्मर्स या लोकल पीपल्स या लोकल कम्युनिटीज़ उनको परमिट किया जाता है कि वो यहाँ पे क्रॉप उगा सकते हैं ट्री स्पीसीज के साथ इन ए सेम लैंड यूनिट द फार्मर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड प्रिपरेशन ट्री प्लांटिंग एंड ग्रोइंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स तो टोंगिया सिस्टम में फार्मर्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होंगे ये सब प्रिपरेशन के लिए जो एग्रीकल्चर करना है उसके लिए फिर टाइप दिए गए हैं टोंगिया सिस्टम के सबसे पहले है डिपार्टमेंटल टोंगिया तो इन दिस एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड ट्रीज़ आर रेज बाई डिपार्टमेंटल परसोनल्स बाई एम्प्लॉइंग लेबरर्स तो लेबर यहाँ पे एम्प्लॉय किए जाते हैं डिपार्टमेंटल परसोनल्स के द्वारा तो इस तरीके से जो टोंगिया सिस्टम है वो डिपार्टमेंटल टोंगिया सिस्टम कहलाता है उसके बाद सेकेंड है लीज टोंगिया तो इसमें जो लोकल पीपल्स हैं उनको लैंड है वो लीज़ पे दी जाती है ताकि वो वहाँ पे क्रॉप उगा सकें फॉर ए स्पेसिफाइड डिद इंशोरिंग ट्री केयर इसके बाद नेक्स्ट है विलेज टोंगया तो इन दिस क्रॉप हू हैव सेटल डाउन ए विज इन साइड द फॉरेस्ट यूजली इच फेमिलीज अलोटेड ए लैंड ऑफ अबाउट वन टू हेक्टेयर इनको यहाँ पे अलॉट की जाती है टू रेज ट्री अलोंग विद अरेबल क्रॉप्स फॉर थ्री टू फोर ईयरस तो इस तरीके से यहाँ पे ये विलेज टोंगिया सिस्टम है अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दिए गए हैं कि क्या यहाँ पे हमें बेनिफिट्स होंगे इट इज़ ऑबटेंड चीपली विद रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग एंड मेंटेनेंस तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो खुद से यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हैं एंड आगे है इट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट भी अवेलेबल हो जाएगा जो बेरोज़गार लोग हैं लोकल कम्युनिटीज़ के उनको एंड इट हैल्प्स मैग्जीम यूटिलाइजेशन ऑफ द साइट तो जो साइट है वो जो खाली साइट पड़ी है उनका यूटिलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट इट ऑफर्स हाई रिमोनरेशन टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड इट हैज़ ए प्रोविजन फॉर फूड क्रॉप्स इन एडिशन टू फॉरेस्ट्रीज तो यहाँ पे इससे भी इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाएगा और जो हेल्थ है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव होगी लोकल कम्यूनिटीज़ की उसके बाद ए वीड एंड क्लाइंबर ग्रोथ आर इफेक्टिवली एलिमिनेटेड एंड इट हैव मल्टीपल वेल्यूज सचेज़ टिम्बर फोडर फ्यूल वुड वगैरह जैसे जो ट्रीज़ हैं वो भी प्लांट किए जाएंगे आगे कुछ डिसएडवांटेज दिए गए हैं तो डिसएडवांटेज में फर्स्ट है कि मोर क्रॉप्स पर यूनिट एरिया में डिप्लीट द सोइल फर्टिलिटी तो ज़्यादा क्रॉप्स उगाए जाएंगे तो सोइल फर्टिलिटी को नुकसान पहुँचेगा एंड सोइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है वो भी इनहेंस हो सकती है ज़्यादा एक्सपोजर से सोइल के और देयर मे बी ए डेंजर ऑफ एपिडेमिक डिजीज स्प्रेड फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू फॉरेस्ट तो अगर फूड क्रॉप्स में कुछ पेस्ट या डिजीज है तो वो फॉरेस्ट में फैलने का खतरा होगा एंड एंड वाइस वर्सा फॉरेस्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो फूड क्रॉप्स में फैलने का यहाँ पे खतरा होगा एंड काफ़ी सारी लीगल प्रॉब्लम्स हैं वो भी यहाँ पे आएंगी ऑन द लैंड एलोकेशन एंड रिटर्निंग नेक्स्ट है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ ह्यूमन लेबर एक्सप्लोटेशन तो हमने देखा कि यहाँ पे जो कॉस्ट है वो कम आएगी क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पे कोई वेतन नहीं दिया जाता तो ये ह्यूमन लेबर एक्सप्लोटेशन की तरीके से यहाँ पे वर्क करता है तो ये सारे हैं डिसएडवांटेज और अब नेक्स्ट है मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन तो इन दिस सिस्टम मिक्सचर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ ट्री स्पीसीज तो मल्टी स्पीसीज उगाई जाएंगी to provide multiple outputs foods जैसे food fodder and wood products. Next alley cropping. cropping is also known as hedge row intercropping. Uh, this involves managing rows of woody plants with annual crops in between them. तो जो hedge है उसका यहाँ पे main होता है कि इसमें row में plantation किया जाता है protection major इसका purpose होता है तो एले क्रोपिंग में यहाँ पे रोज लगाई जाती हैं वुडी प्लांट को रो में यहाँ पे प्लांट कर दिया जाता है विद एनुअल क्रॉप्स इन बिटवीन दैम तो ये जो वुडी प्लांट्स हैं इनको फिर रेगुलरली कट कर लिया जाता है एज टू फैसिलिटेट सनलाइट पेंट्रेशन यानी जो सनलाइट है वो फिर जो क्रॉप्स हैं उनको अच्छे से अवेलेबल हो पाए इसके लिए एंड उसके बाद दिया गया है कि जो प्रूनिंग मटेरियल है उसको यहाँ पे मल्च के रूप में यूज़ किया जाता है यानी जो वुडी प्लांट्स हैं उनको कट करते हैं उनकी ब्रांचेस को कट करने की जो प्रोसेस है वो प्रूनिंग कहलाती है और उससे जो मटेरियल प्राप्त होता है उसको फिर यहाँ पे मल्च की तरह यूज़ करते हैं एंड द पर्पज़ ऑफ एले क्रॉपिंग इज टू मेंटेन और इंक्रीज क्रॉप यील्ड बाई इम्प्रूविंग द सोइल एज वेल एज द माइक्रो क्लाइमेट तो जो माइक्रो क्लाइमेट है उसको एमेल्यूरेट करना यहाँ पे परपज़ है एंड एले क्रोपिंग है इससे जो वीड्स हैं उनको इफेक्टिवली रिड्यूस किया जा सकता है उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीपर्पज़ ट्रीज एंड शब्स ऑन फार्म लैंडस तो फार्म लैंड्स पे मल्टीपर्पज ट्रीज एंड शब्स को उगाया जाता है इन दिस सिस्टम वेरियस मल्टीपर्पज़ ट्रीज स्पीसीज एक्कर स्केटरली और इन समस्टमेटिक पैटर्नस एंड दिस सिस्टम प्रोड्यूस मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड ऑफर प्रोटेक्टिव फंक्शंस टू और उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉप कॉम्बिनेशन विद प्लांटेशन क्रॉप्स तो प्लांटेशन क्रॉप जैसे कॉफी टी कोकोनेट एंड कोकोआ वगैरह तो इन सबको यहाँ पे उगाया जाता है इन दिस पेरिनियल ट्रीज एंड श्रब्स आर कंबाइंड इन द इंटर सिस्टम फिर नेक्स्ट है एग्रोफॉरेस्ट्री फ्यूल वुड प्रोडक्शन तो जो फ्यूल वुड स्पीसीज हैं उनको यहाँ पे उगाया जाता है आर इंटर ऑन और अराउंड एग्रीकल्चरल लैंड This system act both as फेंस as well as शेल्टर बेल्ट बिसाइड प्रोवाइडिंग फ्यूल वुड टू लोकल कम्युनिटी तो यहाँ पे जो ट्रीज़ उगाए जाते हैं वो शेल्टर बेल्ट की तरह उगाए जाते हैं और लाइफ फेंस की तरह ये यूज किए जाते हैं एंड लोकल कम्युनिटीज की जो फ्यूल वुड रिक्वायरमेंट है उसको भी इससे फुलफ़िल किया जाता है नेक्स्ट तो है शेल्टर बेल्ट तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं शेल्टर बेल्ट आर द बेल्ट ऑफ रोज ऑफ ट्री स्टैब्लिश एट राइट एंगल्स टू द प्रीवेलिंग विंड डायरेक्शन शेल्टर बेल्ट डिफ्लिक्स द एयर करंट एंड दस बाई रिड्यूस द विंडलोसिटी एंड इरोजन तो शेल्टर बेल्ट में क्या है ट्रीज़ को उगाया जाता है इससे जो विंड वेलोसिटी है एंड जो सॉयल इरोजन की प्रॉब्लम है तो विंड की जो स्पीड है उसको कम कर देते हैं ये जिससे इरोजन है वो नहीं होता इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द लीवर्ड एरियाज अगेंस्ट विंड इरोजन एंड डिक्रीज द डेसिकेशन इफेक्ट्स ऑन प्लांट इट आल्सो प्रोवाइड्स फूड फोडर टिम्बर और जो शेल्टर बेल्ट हैं इनकी जो शेप है वो पिरामिडल शेप होती है ये अचीव की जाती है बाय रेजिंग टोल ट्रीज इन सेंटर एंड मीडियम साइज़ ट्रीज इन एडजेंट टू बोथ साइड तो जो टोल ट्रीज है वो सेंटर में होंगे और मीडियम साइज फिर उसके आसपास होंगे दोनों साइड देयर आफ्टर शब्स एंड ग्रासेज आर प्लांटेड इन ए सिमिलर फैशन और शेल्टर बेल्ट अप टू फिफ्टी मीटर विड्थ विद सूटेबल स्पेसिंग इज आइडियल तो ये आइडियल कंडीशन है और जो रेशियो है हाइट एंड विड्थ का शेल्टर बेल्ट के लिए वो वन रेशियो टेन होना चाहिए रफली शेल्टर बेल्ट आर ओरिएंटेड राइट एंगल टू द प्रीवेलिंग विंड डायरेक्शन तो क्वेश्चन हैं वो यहीं से बनेंगे And shelter belts are raised in quadrangles if the wind direction tends to change very often. And the minimum length of protection given by a shelter belt is around 25 times its height. Next, a windbreak a stripe of trees or shrubs planted in order to protect field homes, canals, or other areas from wind and blowing soil. It protects the livestock from cold winds. एंड जो शेल्टर बेल्ट हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ पे क्रॉप एंड पासचर को फ्रॉम हॉट एंड ड्राइंग विंड्स विंड ब्रेक जो हैं वो अलाउ करते हैं यहाँ पे पोर्शन ऑफ विंड टू पास थ्रू दिस रिड्यूस द विंडलोसिटी ट्वेंटी फाइव से सेवेंटी फाइव परसेंट तक कम कर देते हैं विंड वेलोसिटी को आगे है कि द हाइट ऑफ विंड ब्रेक डिटरमाइन द लेंथ ऑफ शेल्टर्ड एरिया एंड नेक्स्ट है इन द विंडवर्ड साइड इट प्रोटेक्ट द एरिया ऑक्यूपाइंग फिफ्टीन टाइम्स द ट्री हाइट फ्रॉम द विंड ब्रेक और जहाँ पे अप विंड साइड है उधर ये फाइव टाइम यहाँ पे ट्री हाइट्स को प्रोटेक्ट करती है आगे दिया गया है कि लेंथ ऑफ द विंड ब्रेक इज़ इफेक्टिव एंड इट इज़ मोर देन ट्वेल्व टाइम्स ऑफ द ट्री हाइट तो एग्रो सिल्विकलचरल सिस्टम के जो टाइप्स है वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं और बाकी के जो तीनों हैं इनके जो टाइप्स हैं उनको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सो थैंक यू सो मच हैव हैवे नाइस डे